नमस्ते भाव लोक कसगान, एक मिनट फिर से। मेरे चेहरे पे खुशी इसके लिए क्योंकि मैंने आज का अपॉइंटमेंट लिया था फॉर माय क्विड, जो दो इंडिकेशन आ रहे थे। ओके, तो क्या हो गया, इट्स ऑल ऑफ सडन मैजिक। मेरी गाड़ी तो अच्छे से चल ही रही है, उस दिन भी चल रही थी, लेकिन उस दिन दो वार्निंग लाइट दिखा रहे थे, एक तो ये इंजन की और इलेक्ट्रिकल लाइट जो अभी चली गई, राइट। और ये इंजन की लाइट भी जा नहीं रही थी, लेकिन अब मैं इंजन स्टार्ट किया और चले गया। सो मैं एक्चुअली कल पेट्रोल डालने के लिए गया था, तब भी वो लाइट थी, तो मैंने कल की अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, मुझे आज की मिली थी। तो अब मैं पूरा देख रहा हूँ, पूरा रेडी वेडी होके निकलने का पूरा प्लानिंग कर लिया मैंने, लेकिन आया ऑल ऑफ सडन चली गई लाइट। मैंने उनको कॉल किया तो बोले, मैंने बोला लाइट आ रही थी चली गई, तो बोले कोई बात नहीं सर, आप आइए और सर्विसिंग कर लीजिए। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस मेरी बहुत किलोमीटर्स बाकी है, तो अगर लाइट नहीं आ रही है तो आई डोंट थिंक सो कुछ प्रॉब्लम, चलाते वक्त भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मैं अपने आप को लकी बोलूंगा। लास्ट वॉक जो मेरा था वो था बैड डे, तो आज मैं बोलूंगा इट वॉज माई गुड डे। पहले तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग बहुत छोटा हो जाएगा एक दो मिनट का, तो यार मैं कुछ करता हूँ। मैंने ना ये बहुत टाइम पहले मंगाया था और मैंने इसको यूज ही नहीं किया, मतलब आई गेस मैं लॉकडाउन के भी एक डेढ़ महीने पहले मंगाया था और मैंने इसको यूज ही नहीं किया, तो आज मैंने ये सब निकाला है कार्यक्रम। सो लेट्स सी नाउ इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, फिर बाद में मैं इसका पूरा प्रोडक्ट का डिटेल्स देता हूँ। तो मैंने गाड़ी चालू रखी है क्योंकि आई डोंट नो, अगर ये ज़्यादा पावर खींच ले तो बैटरी और ज़्यादा ही पावर खींचेगा। तो गाड़ी मेरी देख सकते हो कितनी गंदी है, लास्ट डांग गया था। लाइट तो आ रही है, दोनों चालू है, ये 2-in-1 वाला प्रोडक्ट है, तो ये अगर मैं वैक्यूम क्लीनर पे डालूं तो ये खींचने का काम करेगा। और उल्टा करता तो हवा आ रही है। सबसे बुरी बात मेरे को इसमें ऑन ऑफ का बटन ही नहीं है, अच्छा है ये सेंटर में लेना है, सॉरी। और ठीक है, पहले अभी यूज करके देखता हूँ, इसको चल तो रहा है, 2-in-1 प्रोडक्ट है ये, आप देख सकते हो। ऊपर करूंगा तो ये वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा, नीचे लूंगा तो एयर कंप्रेसर का काम करेगा। एयर कंप्रेसर यहाँ से इन्होंने और एक कुछ वायर दी है, वायर दिए टायर में हवा भरने के लिए। मेरे टायर में तो है नाइट्रोजन, तो मैं अभी तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। और इसके साथ अटैचमेंट आया, ये एक ब्रश आया हुआ है टू क्लीन योर सीट्स, आई गेस सीट भी साफ करने के लिए होगा। और ये नली आई है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, लेकिन ये इसमें ऐसे कुछ गिरा रहेगा तो साफ करने के लिए, तो चलिए इसे भी इसको साफ करके देख लेते हैं। तो मैं करने वाला था गाड़ी क्लीनिंग, लेकिन अचानक मैं मेरे फ्रेंड को मेरी ज़रूरत पड़ गई, तो मैं जा रहा हूँ थाना और गाड़ी ठीक हो गई है, तो मुझे ड्राइव करने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी रुका हूँ मैं। थोड़ा दोपहर को निकला था, तो मैकडी के यहाँ पे ऐसे कुछ दिखेगा नहीं, और बर्गर वर्गर खाते खाते पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ जाके मैं करूँगा मेरी गाड़ी साफ। तो मैंने गाड़ी रुका दी है, गाड़ी रुका के पहले खाऊंगा फिर निकलूंगा, थोड़ी सी भूख लगी है। सो फाइनली मैं पहुंच गया उठाना, और अभी तक भी इंडिकेशन वार्निंग लाइट्स नहीं जल रहे, इसका मतलब सब सही जा रहा है। सो देखते हैं अभी, एक्चुअली फ्रेंड के यहाँ पे इसलिए आया बिकॉज उन्होंने बोरोली में कुछ दिन पहले गाड़ी दी थी, तो और मुझे भी थोड़ा एक पर्सनल काम था, तो वो करके हम फिर उनकी गाड़ी लेने के लिए बोरोली जाएंगे कल। मैं अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच गया हूँ, लेकिन बारिश इतने जोरों से आ रही है कि मुझे वो वैक्यूम का सही से शूट करने नहीं मिला। सो पहुंच गया था कल रात को मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश थी, इसलिए हम लोग ने वो गाड़ी क्लीन करने वाला प्लान स्किप कर दिया। और क्या जाग जाग के देख रहे हो, तो अब मैं करूंगा मेरी गाड़ी क्लीन। मेरी गाड़ी की हालत इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, मतलब लास्ट ट्रिप मैंने डांग के लिए मारी थी, और डांग से मैं जब आया तो मैंने क्लीन नहीं किया था और वैसे ही रख दी। उसके बाद वो वायरिंग का प्रॉब्लम, तो वायरिंग क्या हुआ था एक्चुअली, मैंने उस दिन सब हिला हिला के देखा था, तो शायद से कोई वायर लूज हो गई थी, वो अटैच हो गई, और उसके बाद वो साइंस चले गए। और जी साहब,
चलो फिर स्टार्ट करते प्रोसेस। अब पहले मैं लूंगा मेरी गाड़ी कितनी गंदी है वो दिखाऊंगा। अब बारिश अभी भी है बट थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, शेड पार्किंग नहीं। ये है गंदगी मेरी गाड़ी की फिलहाल के लिए, और इतनी गंदी हो चुकी है मेरी कार। ये ऊपर पैचेस भी है। अभी ये पैचेस तो मेरे वो जो क्लीनर है उसमें कोई ब्रश है तो होप। और मेरे फ्रेंड के पास एक सोल्यूशन भी है जिससे वो बोले कि गाड़ी भी पॉलिश कर देंगे, तो फिर देखते हैं अभी वो भी करते हैं। तो उन्होंने तो यार साफ सफाई स्टार्ट कर दी मेरी गाड़ी की, और मैं यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूँ, तो जाता हूँ मैं उनको ज्वाइंट करता हूँ पहले। क्या हो गया मेरे बाल को? सो वैक्यूम से अच्छा खासा खींच के निकाल दिया मट्टी। अब हो रहा है हैंड जॉब। हैंड जॉब मतलब हाथ की सफाई। ओके इसको मैं कर देता हूँ पैक। ये है मेरी डिक्की की हालत। लाइक ऑलवेज मेरे प्लान सारे स्पॉइलर ही होते, तो बारिश आ गई फिर से जोर की। वेट कर रहा हूँ। सारे बाल गिल्ले हो गए। अब हमने एक आइडिया किया, हमने आके गाड़ी बारिश में पूरी खरीद कर दी ताकि इंजन थोड़ा सा गिल्ला हो जाए और इंजन भी पोंछ ले अच्छे से। इंजन भी इतना मट्टी मट्टी हो गया, गंदा हो गया सब। कि गाड़ी धोने के चार्जेस क्या है आपके सर? हाँ सर, आई एम वेरी लकी कि मेरे लाइफ में इनके जैसे दोस्त है जो हमेशा मुझे आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते। और ये हो गई वैक्सिंग पूरी अंदर से, मेरी गाड़ी साफ हो गई है। और थैंक यू विकी भाई, अब लेंगे आउटलुक। एक बार तो स्माइल दे यार। और ठीक है, आज ये छोटा सा ही रखता हूँ मैं, और कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ एक वेड के लिए था, वार्निंग लाइट मेरी आ रही थी चली गई ऑटोमेटिकली, आई डोंट नो हाउ। धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। बी होम, बी सेफ। अगर घर के बाहर जा रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क, और सैनिटाइजर हमेशा कैरी करना। सो बाय, टेक केयर।